कश्मीर में मौजूदा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से विफल साबित हो गई। चुनाव से पहले राज्य के 3 संभागों में सरकार में बैठे नेताओं ने जो जो वादे किए उन्हें पूरा करने की और उचित ध्यान नहीं दिया गया। महंगाई बेरोजगारी ने जहां गरीबों की कमर तोड़कर रख दी, वहीं आम गरीब लोगों को बीते 3 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों की पेंशन नहीं लगाई जा रही है, सरकारी राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अब जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली पंचायती चुनाव में भाजपा व पीडीपी को छोड़ करारा जवाब दिया जाएगा। ये बात आज जम्मू से सटे उप जिला RSपुरा में शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में आयोजित समारोह में महिला नेता एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला जम्मू रूरल से प्रधान दलजीत शर्मा ने कही। इस दौरान नेका महिला नेता दलजीत शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता ग्रहण की। दलजीत ने पार्टी का दामन थामने वाली महिलाओं के गले में हार पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। अपने संबोधन में महिला नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा गठबंधन सरकार राज्य में हर मोर्च पर विफल साबित हो गई है। अब आने वाले समय में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में सरकार बनाएगी, जिसका लाभ जहां की जनता को मिलेगा। उन्होंने राज्य के लोगों को खासकर महिला वर्ग से अपील करते हुए कहा कि आने वाले पंचायती चुनाव में अच्छे अच्छे लोगों का साथ दे और जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके उनका ही साथ दे। दलजीत के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पार्टी एक ऐसी जमात है जो सब धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चलती है, लोगों की मुश्किलें समझती है और उन्हें हल करवाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भाजपा एक ऐसी जमात देखने को मिली जिन्होंने लोगों के अच्छे दिन लाने के वादे तो किए मगर चुनाव जीतने के बाद जनता को अनदेखा कर दिया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला जम्मू की से उप प्रधान शकुंतला देवी, ब्लॉक प्रधान कुलदीप कौर, पिंकी देवी, अमरजीत कौर, पॉली देवी, राजकुमारी सहित अन्य महिला कार्यकर्ता एवं महिलाएं मौजूद थी। पंचायत के इलेक्शन के लिए दोनों ब्लॉकों की बहनों को इकट्ठा किया और उनको समझाया कि आने वाले दिनों में पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, गांव-गांव में तैयारी हो रही है, गांव-गांव जाकर सेल बनाए हैं। हमने दोनों ब्लॉकों की लेडीज़ इकट्ठी हुई हैं आज और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है, एक तरीक भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा गरीबों के काम किए हैं। बहनों को ये जो सरकार है फेलियर सरकार है, इसने किसी का कोई काम नहीं किया। 4 साल से मेरी बहनों की कोई पेंशन नहीं लगी है और बहनें तंग आकर बीजेपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहनों ने ज्वाइन की है। आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी, ये 100% शो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात आएगी। वजह यह है कि फेलियर सरकार है, किसी का काम कुछ हुआ नहीं, लोग तंग आ चुके हैं सरकार से। वो कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो तो हम अपना फैसला करें।